तो यार काफी दिनों बाद मार्वल, डीसी और हॉलीवुड से काफी अच्छी न्यूज और लीक्स निकल कर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहली तो कैप्टन अमेरिका 4 की है। अकॉर्डिंग टू लीक्स कैप्टन अमेरिका 4 में अपना मेन स्टोरी तो कैप्टन अमेरिका और द सर्पेंट सोसाइटी की होगी, बट उसी के साथ साथ ये मूवी रेड हल्क को भी प्रॉपर्ली सेटअप करेगी और हाई पॉसिबिलिटी है कि अपने पोस्ट क्रेडिट सीन या अपनी एंडिंग में रेड हल्क को दिखा भी दे और उसके बाद हमें रेड हल्क डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर हल्क में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4 के मेन विलन द सर्पेंट सोसाइटी को भी इस मूवी के अंदर कॉमिक से चेंज कर दिया गया है। जहाँ कॉमिक में उनके पास ऑर्गेनिक पावर्स थी, इस मूवी में उनके पास रोबोटिक पावर्स होंगी। खैर काफी दिनों बाद फाइनली अपने डेडपूल से भी कुछ अच्छी लीक्स निकल कर आ रही हैं, जिसमें हमें पॉसिबली किड डेडपूल भी देखने को मिल सकता है डेडपूल 3 मूवी के अंदर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम का ट्रेलर हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। इस चीज की कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, बट हाई पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक के अंदर ही हमें एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का ट्रेलर देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी की रिलीज डेट बहुत ही करीब है। और उसके बाद फाइनली वन पीस के लाइव एक्शन ने एनिमे का एक कर्ज तोड़ दिया है, क्योंकि पहले जब भी किसी एनिमे को लाइव एक्शन में अडॉप्ट किया जाता था तो टोटल फेलियर ही बनता था, बट वन पीस के लाइव एक्शन ने ये बिल्कुल चेंज कर दिया है। तकरीबन 84 कंट्रीज में वन पीस के लाइव एक्शन ने स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 और वेडनेसडे को भी डीथ्रोन कर दिया है, मतलब उनसे आगे निकल गई है। तो तुम नोट कर रहे हो क्रेज कितना हैवी है। और इसके साथ साथ एक काफी अच्छी खुशखबरी है कि वन पीस के सीजन 2 की भी राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट ये तो काफी ऑब्वियस था क्योंकि उन्होंने सारा मटेरियल तो मांगा से ही उठाना है, बस उसको अपने हिसाब से थोड़ा एडिट कर देना है। और नेक्स्ट और फाइनल अपडेट है पायरेट ऑफ द कैरेबियन 6 से। तो काफी टाइम से कुछ रूमर्स और लीक्स इस तरीके के आ रहे हैं कि पायरेट ऑफ द कैरेबियन 6 पर मूवी बनने वाली है, बट इस चीज की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि इस मूवी में कैप्टन जैक स्पैरो, जॉनी डेप होंगे या नहीं होंगे। मेरी माने तो इस मूवी की पूरी सक्सेस जैक स्पैरो पर ही डिपेंड करती है और जैक स्पैरो को जॉनी डेप से अच्छा कोई भी प्ले नहीं कर सकता। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन टेक केयर।